पूला करना, टिक करना, सर्वे करना छोड़ देते हैं तो उनका एग्जाम जो है पेंडिंग आ जाता है और उनका रिजल्ट शो अप नहीं करता, उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, मेरे रिजल्ट का हुआ क्या, जिला का नाम, परीक्षा केंद्र, ये सब सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। आपको ये सब कुछ नहीं भरना है, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। मैंने आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। हेलो बच्चों, बहुत सारे बच्चे जो इस बार 2024 में बिहार बोर्ड क्लास 10th और 12th का एग्जाम तो कल तक आज तक खत्म ही हो गया लगभग, तो जो इस बार 10th क्लास में 2024 में बिहार बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं या किसी भी बोर्ड में एग्जाम देने जाते हैं, तो कंपलसरी है कि उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों होता है और हर एग्जाम में सबका अटेंडेंस बनाया जाता है। तो बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं ना कि जब उनके पास जब ओमार शीट आ जाता है, जब अटेंडेंस लिस्ट आ जाती है, जब टीचर जो है उनके पास कहते हैं कि आप इसको भरिए फिर आगे बढ़ा दीजिए, तो बहुत सारी गलती करते हैं। कैंडिडेट के सिग्नेचर में वो क्या करते हैं, टीचर वाले में कर देते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, और जिसमें सिग्नेचर करना चाहिए, जिसको अच्छे से वो मार्क रंगना चाहिए, बहुत सारी परेशानी कर देते हैं, सेट को छोड़ देते हैं। जब वो सेट को जब गोला करना, टिक करना, सर्कल करना छोड़ देते हैं तो उनका एग्जाम जो है पेंडिंग आ जाता है और उनका रिजल्ट शो अप नहीं करता, उसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं, मेरे रिजल्ट का हुआ क्या। तो आपको जब भी ओमार शीट मिलता है आपको एग्जाम में, तो इससे आपका जो है इस वीडियो में आपको जो भी बताएंगे ओमार शीट कैसे भरे और ओमार शीट से आप कितने अगर उसको सही से भर लेते हो तो आपसे 15 से 20 मिनट आपका समय बचेगा, आपको टीचर से बार बार क्वेश्चन नहीं पूछना होगा, आपको इरिटेट महसूस नहीं होगा, आप अपडेट रहेंगे और टीचर्स भी कहेंगे अरे वाह ये तो बहुत अच्छे से इसने भर लिया, और काफी चीजें आप जो है गलती करने से बचेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि ओमार शीट को कैसे भरे, अटेंडेंस शीट को कैसे भरे, और तीन तरह के आपको पेपर मिलता है, पहला तो होता है ओमार और दूसरा होता है ये देखिए मेरे पास ये अटेंडेंस है, ये भी अटेंडेंस शीट है और ये भी अटेंडेंस शीट है और ये आपका ओमार शीट है। तो ये सब आपको मिलता है और ये सब आपको कैसे भरना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे आंसर बुक को भरना है, कैसे क्वेश्चन बुक लिस्ट को देखना है, कैसे ओमार करना है और किन चीजों का ध्यान रखना है, और सबसे बेहतर चीज कि आपको किन पेन का इस्तेमाल करना है। बहुत बच्चे पता है ओमार सही तरीके से नहीं भरते हैं, बहुत बच्चे को कलम ही नहीं पता होता है, पेन ही नहीं पता होता है कि किन बेहतर पेनों से वो भरे। कोई सा भी लेके 10 रुपये वाले भर दिए, अरे भाई ठीक है लेकिन आप अपडेट हो, अभी के समय आपको सारी जानकारी मिल रही है, आप अपडेट वर्जन में रह रहे हो तो आप ऐसा क्यों करोगे। मैं आपको बताता हूँ ना कि किस तरह भरना है और मैं वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको कौन सा पेन बेहतर रहेगा ओमार के लिए। जो बड़ी बड़ी कोचिंग और संस्था वाले भी कहते हैं कि आप इन्हीं कलम से ओमार को रंगा कीजिए, ओमार को जो है सर्किल किया कीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि कैसे आपको ओमार शीट को भरना है जिससे कि आपको 10 से 15 मिनट बचेगा और ये आपके लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद होगा। 10-15 मिनट में आप एक निबंध लिख सकते हैं, एक मजमून लिख सकते हैं, आप एक ऐसे लिख सकते हैं, आपको 10 से 12 नंबर बढ़ सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो प्यारे बच्चों देखो, आप लोग सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप ये वाला पेन ले लें, मेरा फेवरेट है और सभी जितने भी अच्छे अच्छे टीचर्स हैं वो इन्हीं पेन के बारे में बताते हैं। ये काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी ये मोटा रहता है रेनॉल्ड्स का और ये बहुत बेहतर ही पेन रहता है। अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन है सीट, इसमें हमने लिखा बुक लिस्ट नंबर लिखा, उसके बाद ये हमारे पास ओमार शीट है जिसे मैंने खुद से एडिट किया, प्रिंट करवाया। आप लोग इसको कलर जीरोक्स करा लेंगे, ये ब्लैक एंड वाइट है, बेहतर नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, आपको एक्सप्लेनिंग के लिए, आपको समझने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो देखिए कोई भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले तो उस क्वेश्चन को आप पढ़िए, ये सब चीज़ों को पढ़िए, हालांकि एक मॉडल सेट है जिसे मैंने नेट से निकलवाया था लेकिन आप इसको पढ़िए और उसमें आपको जो है क्वेश्चन बुक लिस्ट नंबर लिखा रहता है, जैसे यहाँ पर है वहाँ पे सेट दिया रहता है, आपके टोटल सेट होते हैं आई जे तक, ठीक है, आई और जे तक सेट होते हैं। आपको जो भी सेट मिले, अब जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ सेट ए मिलेगा, सेट बी भी मिल सकता है, सी भी मिल सकता है, डी भी मिल सकता है, ई भी मिल सकता है, एफ बी, जी, एच, आई, जे, आपको इन सेट में से कोई सा भी मिल सकता है। बात समझ आ रही है? तो आपको आपको देख लेना है कि आपका जो क्वेश्चन है उसका बुक लिस्ट नंबर क्या है और साथ ही साथ सेट क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चलिए सबसे पहले आपको एक मिलेगा ओमार शीट, ये रहा आपको ओमार शीट सबसे पहले मिलेगा और इसको आपको भरना होता है कहीं ना कहीं, तो आपको ये देख लेना है। और इस जो आपको डमी मैं ओमार शीट को दिखा रहा हूँ इससे अगर आप कर लेते हो तो इससे आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और नंबर कैसे मिले क्योंकि आप इसको भरने में टाइम ज़्यादा नहीं लगाओगे और क्या होगा कि आप जल्दी इसको फटाफट भर के प्रैक्टिस कर लोगे घर में, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप इसको जल्द से जल्द भर के क्लियर कर लोगे, फिर अपना जो है कोई ऐसे में, कोई एप्लीकेशन में, कोई मजमून में, जैसे उर्दू वाले बच्चे संस्कृत अनुच्छेद लिखकर वो अपना टाइम बचा लेंगे। तो किस तरह से भरना है तो आपको देखिए, सबसे पहले आपको ओमार शीट मिलेगा, आपका फोटो, यहाँ पे आपका परीक्षार्थी का नाम, विषय कोड, विषय पाली, परीक्षा की तिथि, ये सब भरी हुई मिलेगी, ये सब सारी चीज़ें आपको भरी हुई मिलेगी, इसमें कोई टेंशन नहीं लेना, आपको कुछ नहीं समझना है, बस यहाँ पे आपको समझना है प्रश्न पत्र क्रमांक, इसे आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे परीक्षा केंद्र का नाम लिखना है, यहाँ पर फुल सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन, जो आपके यहाँ पर सिग्नेचर होता है, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा वहाँ पे आपने जो सिग्नेचर किया है वही सिग्नेचर यहाँ पे कीजिएगा, टीचर वाले में मत कीजिएगा, यहाँ पे क्या है वीक्षक का पूर्ण हस्ताक्षर, नेविगेटर सिग्नेचर है ना, तो आपको यहाँ पर वीक्षक जो आपके टीचर गार्डिंग में होंगे वो सिग्नेचर करेंगे, आप यहाँ मत कर दीजिएगा। आपके पास पढ़ाई है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो यहाँ आप कीजिएगा, है ना, परीक्षार्थी जो आप फुल सिग्नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन,
तो आप एग्जामिनेशन है, आप परीक्षार्थी हैं, आपने एग्जाम दिया, आपको ओमार शीट मिला, तो आप यहाँ पे भरिएगा। चलिए मैं इसको कुछ प्रोसेस को भर लेता हूँ। वैसे ओमार के बाद आपको दो चीज़ और मिलेगा, देखो यहाँ पर देख रहे हो ये सब अटेंडेंस है। पहले आपको मिलेगा ओमार, ठीक है, ओमार के बाद आपको मिलेगा ये अटेंडेंस वाली है दोनों, ये देखिए आपकी, ठीक है, आपके लगभग 15 मिनट समय बच जाएंगे बच्चे अगर ये चीज़ को आप कंप्लीट कर लेते हो समय के अनुसार, तो बहुत अच्छा मार्क्स आपको आएगा। और फिर आपको एक और ये भी मिलेगा, देख रहे हो यहाँ पर, देख रहे हो, तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो ये भी आपका अटेंडेंस हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई परेशानी नहीं है, यहाँ पे देखो दोनों अटेंडेंस है। और एक ओमार में आपको ये सब लगभग वैसे सभी कोचिंग में बता दिया गया है, हमने अपने कोचिंग में बच्चों को प्रिंट आउट भी दे दिया, लेकिन आपको ये चीज़ की जानकारी होना चाहिए। अगर ओमार सीट आप बेहतर तरीके से भरते हो तो आपका क्या कहते हैं आपका रिजल्ट पेंडिंग नहीं जाएगा और अच्छे से आप जो इसको भर के अपना टाइम भी बचा लोगे, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे जैसे हमने सेंटर भर दिया PBS कॉलेज बांका, और यहाँ पे हमने प्रश्न पत्र क्रमांक लिखे, जैसे बुक लिस्ट नंबर यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 625489, है ना। चलिए आइए हम लोग भरते हैं 48, है ना, कितना उसके बाद 91324। देखिए हमने इसको भर लिया अच्छे से, देखकर ये चीज़ आपको सही कर लेना है, एकदम गलती नहीं करना है। यहाँ पे आप अपना सिग्नेचर कर ले, चलिए मैं अपना कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने अपना सिग्नेचर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ मेरे को कौन सा सेट मिला है, अब मेरे को सेट मिला है डी, सेट डी मिला है ना, तो अब मैं यहाँ पर सेट डी को अपना सर्किल कर लूँगा। देखो कैसे सर्किल करना है, पहले आप इस गोले को एक बार रंग लीजिएगा, बाहर मत कीजिएगा ज़्यादा, ये ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा बाहर हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं, पूरा डार्क तरीके से हो गया। और यहाँ पे विक्षक में मत कीजिए सिग्नेचर। अब जैसे एक नंबर का आप आंसर लिख रहे हैं तो कैसे आपको सर्किल करना है दिख लेना है, पहले आपको इसको पूरा गोल कर लेना बाहर से, बाहर से करते ही फिर अंदर। ये पेन की एक खासियत है कि बहुत जल्दी हो जाता है सर्किल, देखो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर मान लो आप इसका प्रश्न पढ़ के आप सेट मार दे रहे हो कि पहला का आंसर बी होगा, तो आपने बी भर दिया। अब जैसे आप तीन नंबर का भर रहे हो, तीन नंबर में क्या है, आप पहले तीन नंबर में देखिए, बहुत बच्चे पता है सर्किल करने में गोला करने में बहुत धोखा खा जाते हैं और बहुत गलती करते हैं, उनका रिजल्ट जो है पेंडिंग चला जाता है। जैसे अभी यहाँ पे देखिए मैंने बाहर कर दिया, थोड़ी सी बात है, बहुत सारे बच्चे पूरा ऐसा गोला करके बड़ा सा एकदम बना देते हैं, नहीं ना। पहले आपको क्या करना है कि आप अच्छे से पहले इसको कीजिए बाहर से, ऐसे कर लीजिए, बाहर में कर लिया, बाहर में गोला करते 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 अंदर चले जाइए। देखिए तीन से चार बार किया और हो गया। आप देखो यहाँ पर जैसे तीन का अगर सी आंसर है तो पहले बाहर से आप कर लीजिए, बाहर से धीरे 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 करते करते बस हो गया। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस तरह का अगर ये गलती हो गया तो यहाँ ये कटित कर लेंगे और फिर इसको भरेंगे, तो ये आपका गलती ही जाएगा। इस तरह भैया भरिएगा तो आपका ये सही जाएगा। अब जैसे और मैं बेहतर कहूँगा कि आप ब्लू या ब्लैक, देखिए आप लिखा वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर को देने के लिए सही गोले नीले या काले बोल पेन दोनों से कर सकते हैं, लेकिन मैं बेहतर कहूँगा कि आप ब्लैक पेन से करें, वो भी इस पेन से, बहुत मोटा होता है इसका इंक, 0.2 mm का शायद होता है ये बेहतर होता है। बहुत बच्चे वन कर लेते हैं लेकिन मेरे ख्याल से ये देखिए, फिर इसको कैसे करेंगे, अगर चार का बी हो रहा है तो ऐसे किया हमने सर्किल, ठीक है, ये ठीक है। और यहाँ पे खासकर रूप से लिखा हुआ है कि कभी आप गोला इस तरह नहीं करें, इस तरह नहीं कीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा फोटो है और इस तरह फोटो आपके एग्जाम में आपका आएगा, कभी भी इस तरह गोला नहीं कीजिएगा। अगर इस तरह करिएगा तो कुछ भी, कृपया इस परीक्षा इस यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, लेकिन आपको गोल सही करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए, अगर पाँच नंबर होता है, अगर मान लीजिए आपको नहीं आता है, ये पाँच नंबर का नहीं आता, आप थोड़ा सा गोल कर दिए, थोड़ा सा कर दिए, तो चलिए ठीक है, आप इससे आगे बढ़ जाइए, ये वाला सही पूरा अच्छे से गोला कर लीजिए तो आपको इसका नंबर मिलेगा। और आधा आपने सिर्फ गोला किया तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पूरा गोला कीजिए, आधा किया आपको लग रहा था ये आंसर मेरा नहीं गलत है तो आप इसको आधा गोला कीजिए, ऐसे आधा गोला कर लिए तो चलिए आंसर गलत था। अब इसके बगल डी आंसर मेरा सही है तो डी को आप पूरा अच्छे से गोला कीजिए, और सी आपका नहीं, बी आपका सही नहीं था तो आधा करके छोड़ दीजिए, लेकिन इसको सही से कीजिए। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से आपको पूरा ओमार शीट करना है। अगर आपको अब ओमार शीट में देखिए, अगर आपको साइंस का एग्जाम है तो आपको 40 को टिक करना था ना, आप 40 इसमें से टिक कर सकते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको 40 ऑब्जेक्टिव टिक करना है, 40 से ज़्यादा कीजिएगा तो आपका चेक रिवर्स। जैसे देखिए इसको 50 टिक करना था, इसने एक आग दो छोड़ के यहाँ 51 तक किया, ठीक है, तो 51 के बाद इसने तीन फॉल्स लगा दिया, तो ये चेक ही नहीं होता है, ये काउंट भी नहीं किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको हमेशा गिन के ही 50 ऑब्जेक्टिव का टिक मारना है, ज़्यादा नहीं। बात समझ आ गई? तो इन चीज़ों का आपको हमेशा ख्याल रखना है। ओमार सीट भरने का आपका टेंशन खत्म हो गया, मेरे अनुसार आपको कोई परेशानी नहीं होगी ओमार में, ये सब भरा हुआ मिलेगा, सब सिर्फ आपको यहाँ पे प्रश्न पत्र अंक लिखना है कि बुक लिस्ट नंबर क्या है, और यहाँ पे अपना सिग्नेचर करना है बस। और ये चीज़ नहीं भूलिएगा, सेट नहीं डालिएगा तो फिर बेकार हो जाएगा। इन चीज़ों का आपको हमेशा ख्याल रखना है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ों पर।
अब मिलेगा आपको ये वाला अटेंडेंस शीट, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ फोटो रहेगा, यहाँ पे आपका जिला का नाम, परीक्षा केंद्र, ये सब सब कुछ लिखा हुआ रहेगा। आपको ये सब कुछ नहीं भरना है, ये सब लिखा हुआ मिलेगा। मैंने आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। उसके बाद अब आप देखिए, अब देखिए यहाँ पर ओमार है, देखिए ओमार नंबर भरना है ना, तो ये सब लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको यहाँ पर पहले ओमार नंबर भरना है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, 4289741251। मान लीजिए ज़्यादा दे दिया मैंने एग्जाम्पल के लिए, इतना ज़्यादा तो नहीं होगा संख्या। उत्तर पुस्तिका संख्या, जैसे यहाँ पर देखिए जो आपको कॉपी मिलेगा, जैसे देखिए यहाँ पर जैसे अगर क्वेश्चन बुक लिस्ट नंबर लिखा रहता है वैसे आपको कॉपी मिलती है। जैसे मेरे स्टूडेंट है एक, उन्होंने एग्जाम दिया तो मैंने उसको दिया था, तो यहाँ पे आंसर लिस्ट नंबर मैंने खुद से ऐड कर दिया। हालांकि आपको जो कॉपी मिलेगी आंसर शीट की ना, तो उसमें लिखी हुई रहेगी, आप आराम से देख कर भर देंगे यहाँ पर इस कॉलम में। चलिए मैं भर देता हूँ, बोलिए कितना है, 2546429, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिग्नेचर कर देना अपना, चलिए मैं कर दे रहा हूँ, यहाँ पर टीचर करेंगे, बात समझ गए, ठीक है। और आपको यहाँ पर फिर उर्दू का आपको कौन सा सेट मिला, मान लीजिए उर्दू मैंने दिया तो उर्दू का मेरे को ऑप्शन डी मिला, और डी को अब आप सर्किल कर दीजिए ऐसे, ठीक है, पूरा कर दीजिए, ज़्यादा मत आगे जाइए। और यहाँ फिर अपना सिग्नेचर कर लीजिए, मान लीजिए मैं कर दे रहा हूँ अपना, ठीक है। फिर यहाँ आप उपस्थित है कि नहीं, अनुपस्थित तो उपस्थित, ये सब टीचर करते वैसे, लेकिन आप कर देते हैं, हम आपको समझाते हैं। फिर उसी तरह आपको मैथ के जिस दिन परीक्षा होगा आपका, उस दिन जो भी सेट मिलेगा आप, जैसे आपको ए मिला तो ए भर दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ए को रंग दीजिएगा पूरे अच्छे तरीके से। ये सब चीज़ में गलती कीजिएगा तो फिर पेंडिंग हो जाएगा। फिर यहाँ अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का ओमार नंबर, जो आंसर शीट होगा उसका भर देना है। फिर यहाँ आपको सिग्नेचर कर देना है, ये हो गया। दूसरा नंबर भी आपको समझ आ गया, दूसरा अटेंडेंस कैसे बनाना है, चलिए अब जानते हो आगे वाला। देखिए वो तो अटेंडेंस था आपका वो स्कूल का, अब आपको अटेंडेंस बनाना होता है कि आपने किन किन विषयों का आपने एग्जाम दिया। जैसे देखिए यहाँ पर विषय कोड नाम ये सब सब चीज़ लिखा, परीक्षा आपने 15 तारीख को देना है, 16 को देना है, 17 को देना है, जिन जिन तारीख को आपको एग्जाम देना चाहिए वो सब इसमें दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले भरना क्या, यहाँ देख लीजिए ये सब आपको मिला हुआ मिलेगा, परीक्षार्थी का नाम, रोल कोड, ये सब सब भरा हुआ मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, देखिए जैसे मैंने भरा उर्दू का, तो यहाँ पे उर्दू का जैसे मेरे पास था ओमार शीट, ठीक है। तो ये जो नंबर है ओमार शीट का नंबर, देखिए मैंने यहाँ पे भरा, फिर उसको रंगा भी, 4 को 2 को 8 को 9 को 7 को 4 को 1 को, देख रहे हैं एकदम बारीकी से शांतिपूर्वक आराम से एकदम आपको रंगना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत छोड़ना नहीं है। मैंने जल्दी जल्दी में ऐसे भर दिया, लेकिन पहले आपको जैसे रंग रहे हैं तो क्या करना है, पहले आपको बाहर का रंगना है, ऐसे बाहर का रंग लिए फिर अंदर में जाके रंग दीजिए ऐसे। थोड़ा वीडियो बना रहे हैं तो इसलिए मिस्टेक हो रहा है, लेकिन आप लोगों के पास हूबहू रहेगा, आप मिस्टेक नहीं कीजिए। जैसे मैंने इसको भर दिया है ना, परीक्षार्थी का पत्र क्रमांक है ना, यहाँ भर दिया मैंने, बुक लिस्ट नंबर भर दिया इसमें, आपको ओमार का नहीं बुक लिस्ट नंबर भरना है, आप भर दीजिएगा आराम से पढ़ के एकदम आराम से मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देखिए आपको सिग्नेचर भी कर लेना, उपस्थित थे यहाँ पर टीचर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पे फिर आपका फोटो मिल जाएगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा रहेगा। इसी तरह फिर आप मैथ का दीजिएगा तो भरिएगा, हिंदी का दीजिएगा तो भरिएगा, साइंस का दीजिए तो भरिएगा है ना, और सोशल साइंस का दीजिएगा तो भरिएगा। इस तरह आपको ये सभी पेपर मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको तीन को बताया तो आपको पता चल गया, सबसे पहले आपको एग्जाम में ओमार शीट मिलेंगे, आपको ओमार शीट को बढ़िया से फिलअप करना है, आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया। और उसके बाद आपको मिलता है अटेंडेंस, जो कि स्कूल में रहेगा। दो तरह के अटेंडेंस होते हैं जो कि स्कूल में रहते हैं, स्कूल में ये आपका अटेंडेंस रहेगा कि आप आए कि नहीं आए पर डे। उसके बाद ये सब्जेक्ट बेस पर जो है, सब्जेक्ट बेस पर आपका जो है थ्योरी एग्जाम आप जो लिखते हो वो उसमें रहेगा। ये थ्योरी वाला आपका एडमिट कार्ड हो गया, और ये आपका जो है ओमार, ये स्कूल में रहेगा जिसमें ओमार का भी रहेगा और बुक लिस्ट नंबर ये भी रहेगा, और इसमें आपको जो है सब्जेक्ट का थ्योरी वाला ये आपका अटेंडेंस बना। तो उम्मीद करते हैं अगर आप इन चीज़ों का आप सीख रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को अगर सॉल्व करना आ गया तो इससे आपके 10 से 15 मिनट टाइम बचेंगे, जिससे कि आप बेहतर कर सकते हो। अगर वीडियो आपको समझ आया तो जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।